रवि शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। एक युवक को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलना पड़ा महंगा। वाक्या बदवाड़ी गांव जो कि गुरुग्राम में स्थित एक गांव है वहां का है, जहां पे संदीप उर्फ कालू नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दे कि 19 तारीख को रात 7 बजे संदीप के दोस्त जगबीर उनको बुलाने आते हैं ताश खेलने के लिए। वहीं संदीप अपने पिता को बता के जाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने जा रहा हूँ। वहीं देर रात तक जब संदीप घर वापस नहीं लौटे तो उनके पिता चिंतित हो गए। ऐसे में संदीप अपने पिता को बता के गया कि मैं जगबीर के साथ प्लॉट पर ताश खेलने जा रहा हूँ और अपने पिता से 2000 रुपये लेके भी निकला। वहीं जब सुबह तक संदीप वापस नहीं आया तो संदीप के पिता को शक हुआ और वो प्लॉट पर पहुंचे देखने के लिए कि उनका बेटा सही सलामत है या नहीं है। वही जब उन्होंने प्लॉट में जाके कमरे का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। जब उन्होंने अपने बच्चे को लहूलुहान हालात में देखा वे बेहोश हो गए और इसकी सूचना आसपास के रह रहे लोगों ने पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस तुरंत प्रभाव से मौके वारदात पर पहुंची और वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जब संदीप के पिता को होश आया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिनेश उर्फ मेजर 17 तारीख को रात में करीब 1 बजे उनके बेटे को लेने पहुंचे। वहीं जब उनका बेटा उसके साथ बाहर नहीं गया तो उसने उसको जान से मारने की धमकी दी। वहीं 19 तारीख को जब जगबीर उसको बुलाने आया तब संदीप उसके साथ चला गया। वहीं सारा शक यहीं से शुरू हुआ जब दिनेश उर्फ मेजर व जगबीर नहीं मिले। अब आपको बता दे कि दोनों ही युवक जो इस हत्याकांड में शामिल थे वह बदवाड़ी गांव के ही रहने वाले थे और मामला ये बताया जा रहा है, पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो मामला ये आया कि आपस में ताश खेलते समय गाली गलौज को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ, जिसको देखते हुए 19 तारीख को संदीप को बुलाया गया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस को इस केस में काफी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी दिनेश उर्फ मेजर व प्रवीण और जगबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी धारा 302 व 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक 3 और अपराधी हैं जिनको अभी गिरफ्तार करना बाकी है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो पुलिस ने इस केस में काफी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया है के मामले में क्या कुछ मामला से पहले ये दिनांक 20 मई को एक सूचना मिली थी डीएलएफ फेज 1 पुलिस स्टेशन में कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पे किसी के गांव में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पे वहाँ पे जाके पताजोई किया गया तो उसके फादर के बयान पे हमने FIR दर्ज की है, जिसने बताया मेरा बेटा संदीप उर्फ कालू था जिसको शाम को कुछ लड़के बुला के लेके गए थे घर से और वो रात को ताश खेलने की बात कह के गए थे, लेकिन सुबह तक जब वो घर नहीं आया तो उसके फादर ने जाके जब वहाँ पे देखा तो वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके काफ़ी चोटें लगी हुई थी और बाद में वो मृत पाया गया, जिसके संबंध में DLF फेज 1 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उसमें जो शामिल 3 लड़के थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, जिनके नाम एक दिनेश उर्फ मेजर है ये बंदवाड़ी गांव का ही है, एक ये प्रवीण है और एक जगबीर है, ये तीनों इस मामले में शामिल थे और इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं और उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार करें। सर किस बात पर विवाद थे मौत के कारण उतारा गया युवक को? ये आपस में वाताश खेलते टाइम पे इनकी कोई वहाँ पे विवाद हुआ किसी बात को लेके और उन्होंने उसको मौत के घाट उतारा। ये सर जो युवक मृतक है ये क्या करता था और जिसको गिरफ्तार किया ये लोग क्या क्या करते हैं? ये गांव के ही रहने वाले हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते, ये अभी बेरोजगारी थे और खेतीबाड़ी में अपने घर वालों के।
क्या पहले भी इस तरह के क्राइम कर चुके हैं सर ये? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं। अच्छा, किस हथियार से मारा गया है, क्या किस चीज़ से मारा गया? वो लाठी डंडों से और इस तरह से उसको चोटें मारी। कितने लोग शामिल थे सर और इसमें? अब तक की जो जांच है उसमें 6 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। 3 हमने अरेस्ट कर लिए और बाकी 3 को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा, और ऐसी ही बड़ी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।